आज हम बनाएंगे चटपटा मसालेदार हलवा फिश फ्राई। फिश फ्राई ऐसे बनाएंगे तो रेस्टोरेंट का फिश फ्राई खाना भूल जाएंगे। एकदम आसान तरीका बताया है और वीडियो एकदम छोटा है, स्किप मत करिए। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज के हलवा मछली ले लिया है। इसे हमने पहले अच्छे से क्लीन कर लिया है। मछलियों के दोनों तरफ इस तरह से बड़ा बड़ा चीरा लगा लेना है। इस तरह से मछलियों को चीरा लगाने से मसाला अंदर तक चले जाते हैं। अच्छे से धो के एक प्लेट में ले लेना है। फिर हम इसे मैरिनेट करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। फिश को अलट पलट के दोनों साइड नमक डालेंगे और नींबू का रस भी फिश को अलट पलटते हुए डालना है, इस तरह से। अब हम एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन है। इस तरह से अगर आप फिश को पहले मैरिनेट करके रखते हो तो इसका जितना भी स्मेल होता है और टेस्ट जो है ना, वो दो गुना बढ़ जाते हैं। ये फिश का हमारा फर्स्ट मैरिनेशन है। इस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट मिला करके हम कम से कम आधे घंटे तक ढक के रखेंगे। टाइम नहीं है तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो आप ज़रूर रखें। इसे हम साइड कर देंगे और एक मसाला बनाएंगे। एक चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर लेंगे, छोटा एक चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, क्वार्टर चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच भर के हरी मिर्च का पेस्ट, छोटा दो चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर पाउडर नहीं है तो आप मैदा आटा भी डाल सकते हो। एक चम्मच भर के बेसन डालेंगे, नमक डालेंगे मसाला के हिसाब से, थोड़ी सी नींबू का रस अभी फिर से डालेंगे, एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट को भी ऐड किया है। अच्छी तरह मसाला को मिक्स करेंगे। मसाला अगर ज़्यादा सूखा लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसे अच्छे से मिला लें। तो देखिए, मसाला को हमने अच्छी तरह मिला लिया है। अब इन सारे मसाला को हम फिश के ऊपर लगाएंगे। मछलियों के ऊपर मसाला लगा के आप चाहे तो एक कंटेनर में भर के इसे ओवर नाइट भी रख सकते हो। इसे बहुत ही जबरदस्त टेस्टी होता है। आप चाहे तो इसे तुरंत भी बना सकते हो, मगर कभी ओवर नाइट रख के इसे फ्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मसाला चारों तरफ हमने अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसे साइड कर देंगे, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, फिर हम इसे बनाएंगे। एक ग्रिल पैन में हम लेंगे दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आपके पास अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मल पैन या तावे में भी बना सकते हो। ऑयल डालने के बाद चारों तरफ फैला देना है। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम में रखेंगे और मछलियों के एक साइड 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। घुमा घुमा के इसे थोड़ा पका लेंगे। 3-4 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे। मछली काफी भारी है, बड़ा है, मुझे लगा टूट ही जाएगा। और साइड में जो ऑयल है ना, इसे इस तरह से ब्रश से लगा लेना है। इससे क्या होता है, मछलियाँ है ना, जूसी बनते हैं। तो इस तरह से घुमा फिरा कर मछलियों को कम से कम 10 मिनट तक हम लो टू मीडियम में पकने देंगे। घाई करेंगे तो ये जो मसाला है ये जल जाएगा और मछली खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेगा। तो मसाला का जो है ना, जलाना नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि मछली अच्छे से कुक्ड हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मछली है। तो हमारा फिश फ्राई बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही भारी है, शायद टूट जाएगा, तो मैं जिसे कंफर्टेबल हूँ वो ले लेती हूँ। इस तरह से हम मछलियों को पकड़ के निकाल लेते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बन के तैयार होता है। फ्रेंड्स, ये हलवा मछली इस तरह से एक बार फ्राई करके खा के देखिए, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी लगता है। तो बिना ओवन के हलवा तंदूरी फ्राई आप किसी को भी खिलाएंगे ना, तो आपका तारीफ करते नहीं भूलेंगे और आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। रेसिपी अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।